क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए भी जिन्होंने तालियां बजवाई। सब परिवारों को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा आज एक यूनिक अवार्ड शो। अक्सर अवार्ड शो देखते थे, टाई लगी होती है, आते हैं एक्टर एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले लगते हैं, ये अवार्ड मेरे पापा को जाता है, ये अवार्ड मेरे डायरेक्टर को जाता है, लेकिन आज जो अवार्ड मिल रहे हैं वो पापा मम्मी दादी दादा चाचा को जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए कि सब परिवारों को इकट्ठा कर दिया। और परिवार में खुशियां होनी चाहिए, और खुशी ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए की मूंगफली लो, खुलकर हंसो। आप भी सोचते हो बहुत बार मूंगफली खाई है, हमें तो कभी हंसी नहीं आई। मूंगफली नहीं खानी है, जिस लिफाफे में रेडी वाला मूंगफली डाल के देता है वो कभी लिफाफा पढ़ना। आप वो लिफाफा बना होता किसी पुराने अखबार का, और अखबार का लिफाफा बनाते समय कई बार ऐसा गलत जोड़ लगता है, पहले पेज की जो हेडलाइन है आखिरी पेज से ऐसे मिक्स हो जाती है, आदमी मूंगफली भूल जाता है, लिफाफे के मजे लेता है। मैंने 6 महीने पहले दिल्ली से मूंगफली खरीदी, किसी हिंदी अखबार का लिफाफा बना हुआ था। जरा गौर करना कैसे खबरें मिक्स हुई। पहली खबर थी अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा गाजियाबाद के पास चोरी की भैंसों के साथ गिरफ्तार। अमेरिका की मिलिट्री की तरफ से अफगानिस्तान की जेलों में पम्मी भाई के साथ भांगड़ा की क्लासें 23 तरीके शुरू। अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छुपकर बैठे लादेन को पंजाब सरकार की तरफ से बुढ़ापा पेंशन देने का फैसला। भारत को एथलेटिक्स में सोने के तगमे की उम्मीद, तिहाड़ जेल से 7 कैदी फरार। इसीलिए ये परिवार अवार्ड का जो यूनिक आइडिया, शशि जी अनुज जी को मैं इस बात की बधाई दूंगा, क्योंकि हम परिवारों से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपको एक पते की बात बोल दूं, बहुत अच्छी बात है जिससे हमारी आने वाली नस्लों को भी कुछ सीखने को मिल सकता है। जब हमारे देश में सर्कस में जानवरों की खेल पर पाबंदी लग गई कि आप टॉर्चर करते हो जानवरों को, तो जानवरों का खेल नहीं हो सकता, तो कोलकाता की एक बड़ी फेमस सर्कस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे, लेकिन हर रोज शेर जो थे वो मीट खाते थे और हाथी चारा खाते थे, तो उनका खर्च हो रहा था, इनकम नहीं थी, तो सर्कस वालों ने सोचा अब इनका क्या करेंगे। उन्होंने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया। 15 दिन के बाद पता चला उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदि हो गए थे, वो अपना टैलेंट भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते भूखे मरते शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे, चलो इकट्ठे होकर शेर को मार लेते हैं। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा बड़े बैंक बैलेंस, ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज, ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना जाते हैं। हम आज फैसला कर ले इस शो के जरिए कि भले 2 दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे, क्योंकि हम लोग नीचे से आए हैं। हर फील्ड में 2 किस्म के लोग होते हैं, ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स। फर्क सिर्फ इतना है, ग्रास रूटर सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर सिर्फ नीचे को आ सकते हैं। दुनिया की कोई पैराशूट ऊपर नहीं लेके जाती आदमी को। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हंसी के साथ साथ अगर हम ऐसी चीज़ें भी सीख लें तो अच्छा लगता है। वैसे भी हम क्या है, हम गाँव से आए हैं, गाँव में सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भले ही कम होती है लेकिन दूसरा टैलेंट बहुत उभरता है। आज तक मेरा नाम मेरे गांव के सरकारी स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं उसे मिटाने की, क्योंकि मेरे नाम के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट नलायक ऑफ द सेंचुरी। पहली घंटी में मेरी पिटाई शुरू हो जाती थी, पहली घंटी हिंदी की, हिंदी वाले मैम आए, बेटा खड़े हो, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो। मैंने कहा मैम पहले खाली जगह बनाओ, मैं 1 मिनट में भर दूंगा। बोला अभी बनाती हूँ। 900 चूहा खा के बिल्ली डैश डैश चली, ये डैश डैश भरो। मैंने कहा मैडम वेरी सिंपल, 900 चूहा खा के बिल्ली टेढ़ी टेढ़ी चली। बेटा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मैंने कहा मैम आप हमारे टीचर हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसी रिस्पेक्ट की वजह से मैंने अपनी बिल्ली टेढ़ी टेढ़ी चला ली, वरना 900 चूहा खा के बिल्ली उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकती मैम। बिल्ली का पेट देखो, सब दिलों पर राज करता है। इसलिए यही कहूंगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। इसलिए
सबने एक परिवारों को इकट्ठा किया है, देश को इकट्ठा किया है, अच्छी एफर्ट है। और उसके लिए जाते जाते मैं ये बोल के जाऊंगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच।